राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान चप्पल फेंकी गई। औरंगाबाद के बभंडी में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम के समर्थन में आयोजित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंच पर बैठे तेजस्वी यादव पर एक दिव्यांग युवक ने दो बार चप्पल फेंका। हालांकि पहली दफा फेंका गया चप्पल तेजस्वी के बगल से गुजर गया, मगर जब तक मंचासीन नेतागण कुछ भी समझ पाते तब तक चप्पल की दूसरी जोड़ी भी उस युवक ने तेजस्वी पर फेंक दी, जो कि जाकर सीधा उनके हाथ में लगा। इसके बाद आनंद फानंद उस दिव्यांग युवक को किसी तरह शांत कराने पहुंचा, तब जाकर तेजस्वी ने अपना भाषण देना शुरू किया। वैसे तेजस्वी ने भी इस चप्पल प्रकरण को कुछ खास तवज्जो नहीं दिया और भाषण देकर वहां से ही चलते बने। इस घटना से जुड़े वीडियो में यह साफ हुआ है कि एक चप्पल का निशाना चूक गया, जबकि दूसरी चप्पल उनके हाथों को लगते हुए गोद में जा गिरा। इससे पहले राजद कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। आपको बता दें, तिपहिये पर बैठे एक दिव्यांग व्यक्ति ने अपनी चप्पल फेंकी थी, जिसे लोगों और सुरक्षा कर्मियों द्वारा बाद में पकड़ लिया गया। तेजस्वी भी इससे अप्रभावित दिखे और उन्होंने अपने भाषण के दौरान इसका उल्लेख भी नहीं किया। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस घटना की निंदा करते हुए नेताओं की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बता दें, तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो वह पहले कैबिनेट में ही 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का रास्ता पक्का करेंगे। उन्होंने दावा किया कि राज्य में लाखों पद खाली है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार यहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई पहल नहीं कर रही। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है, हम अकेले हैं और ये सब कहते हैं अनुभवहीन है। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो एमएलए भी रह लिए, डिप्टी सीएम भी रह लिए, विपक्ष के नेता भी रह लिए, इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। और दूसरी जहां तक बात है, मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़े थे 85 में 90 में मंत्री बन गए थे, उनके पास कौन सा अनुभव था? और जब हमारे पास अनुभव नहीं था तो उन्होंने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? हम तो चैलेंज करते हैं, मेरे 18 महीने के कार्यकाल के बारे में डिस्कस कीजिए एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हालांकि आप बताइए, अगर हम अनुभवहीन हैं तो आप मेरे पीछे पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो? अपनी सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए, यानी कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों नीतीश जी का चेहरा काम नहीं, काम चल रहा क्या? हम तो पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अपने घोषणा पत्र में राज्य के 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की हमने घोषणा की है, जिसे हर साल में हम पूरा करेंगे। वहीं महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार ने कहा कि राज्य की राजग सरकार विकास का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं और गांव की बात तो दूर, शहर भी बदहाल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनी तो नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तेजस्वी ने दावा किया कि इस विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में महागठबंधन की लहर चल रही है और 10 नवंबर को हमारी सरकार बनने का रास्ता प्रशस्त होगा। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है, हम अकेले हैं और ये सब कहते हैं अनुभवहीन है। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो एमएलए भी रह लिए, डिप्टी सीएम भी रह लिए, विपक्ष के नेता भी रह लिए, इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। और दूसरी जहां तक बात है, मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़े थे 85 में 90 में मंत्री बन गए थे, उनके पास कौन सा अनुभव था?